नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं के साथ बैठक हुई 24 तारीख को, यानी परसों। इस बैठक में उम्मीद के विपरीत बहुत सी चीजें हुई। जैसे पहले तो ये उम्मीद कम थी कि ये बैठक हो पाएगी, इसके लिए ये पार्टियां तैयार होंगी, जिसमें गुपकार अलायंस भी है, जो 7 पार्टियों का अलायंस था, अब उसमें से एक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस निकल गई है, तो 6 पार्टियों का अलायंस रह गया है, वो शामिल होगी, इस पर शंका थी। लेकिन ये बात जरूर माननी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इसमें बड़ी भूमिका रही, पार्टियों में इस तरह का माहौल बनाने में, और उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के विकास के काम को आगे बढ़ाने में उनकी जो भूमिका है उसकी निश्चित रूप से सराहना होनी चाहिए। लेकिन आज बात हो रही है प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक, क्यों तैयार हुए लोग, क्यों ऐसा हुआ? आपके मन में भी सवाल होगा कि जिस गुपकार अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह गुपकार गैंग कह रहे थे, उनसे बात करने के लिए क्यों तैयार हुए? एक दूसरा, ये लोग जो कह रहे थे, जो इनका डिक्लेरेशन नवंबर 2020 का है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता, देखिए 370 की बात उस समय नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने एजेंडा छोड़ दिया था, लेकिन कह रहे थे जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से नहीं मिल जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तो उससे क्यों पीछे हटे? उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन एक दो कारण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक राजनीतिक है, एक गैर राजनीतिक है, उन दोनों की बात करूंगा आगे। तो ये बैठक जब हुई तो करीब 3.5 घंटे ये बैठक चली, सबको अपनी बात कहने का मौका मिला। हालांकि उमर अब्दुल्ला बैठक में कुछ भी नहीं बोले, बाहर आकर वो जितना बोल रहे हैं बाकी सब लोगों ने जो बोला होगा उससे ज्यादा बाहर आकर बोल रहे हैं, बैठक में एक शब्द नहीं बोले। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री धैर्यपूर्वक सुनते रहे और उसके बाद आखिर में बोले, बीच में उन्होंने किसी को टोका टाकी नहीं की। और जब प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने दिया क्या? कुछ भी नहीं। एक मांग उन लोगों की थी कि जो लोग अभी भी जेल में हैं या नजरबंदी में हैं उनको रिहा किया जाए, सरकार उसका रिव्यू समय समय पर वैसे ही करती रहती है, राज्य का प्रशासन जो करता है, और वो प्रक्रिया चल रही है, वो चलेगी। दूसरी बात, इन लोगों की डिमांड ये थी कि विधानसभा का चुनाव कराए जाने से पहले स्टेटहुड दिया जाए, नहीं दिया। इस पर कोई आश्वासन, कोई विचार करने की भी बात नहीं हुई। संसद में जो 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, उस पर केंद्र सरकार कायम। दूसरी बात, परिसीमन को प्रधानमंत्री लाल किले से स्पष्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव, वो परिसीमन का काम पूरा होने के बाद किया जाएगा। परिसीमन में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की सीमा तय की जाती है, भौगोलिक दृष्टि से भी और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से भी। उसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में है ये निर्वाचन क्षेत्र उनका एरिया कितना है और आबादी कितनी है, उस अनुपात में तय किया जाता है। 1947 से जम्मू के लोगों की ये शिकायत रही है कि उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको जम्मू के हिस्से में जो सीटें आती हैं वो 37 हैं और घाटी के हिस्से में जो छोटा है उसको 46 सीटें मिली। जब तक राज्य एक था तब तक 4 सीटें लद्दाख की थी, अब वो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है तो उसकी सीटें चली गई हैं, उसके हिसाब से भी एडजस्ट किया जाना है। 24 सीटें लगातार जब से संविधान बना है, आज़ादी मिली है तब से, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसके लिए छोड़ी जाती हैं, वो रिजर्व रहती हैं। ये भारत सरकार मानकर चलती है, तब से चल रही है कि वो हमारा हिस्सा है, वहाँ भी चुनाव होना चाहिए, अभी हमारे कब्जे में नहीं है इसलिए चुनाव नहीं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ेंगी। यही वजह है कि ये जो गुपकार अलायंस की पार्टियां हैं ये इसका विरोध कर रही हैं।
अब दो तरह से विरोध हो रहा है, एक तो पॉलिटिकल इसको जो है जामा पहनाने की कोशिश हुई, ये प्रचार करने की कोशिश हुई कि ये दरअसल मुसलमानों के खिलाफ है, ये हिंदुओं की सीटें बढ़ाने के लिए और मुसलमानों की सीटें कम करने के लिए ये परिसीमन हो रहा है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो उमर अब्दुल्ला ने बैठक से निकलने के बाद मीडिया से जो दो दिन से बात कर रहे हैं उसमें कहा कि क्या जल्दी है, क्यों परिसीमन इतनी जल्दी हो रहा है, 2026 में पूरे देश में होना है तो पूरे देश के साथ होना चाहिए। जब बात हो रही है कि सब कानून जो है पूरे देश में जो अलग और राज्यों में है वही जम्मू कश्मीर में हो तो इस मामले में भेदभाव क्यों, वो भूल जा रहे हैं कि जब पूरे देश में पिछला परिसीमन हुआ था तब जम्मू कश्मीर को इससे अलग रखा गया था, उस समय कहा गया था कि 2026 में होगा, अभी नहीं होगा। तो उनका तीसरा एतराज है कि ये 2011 के सेंसस जनगणना के आधार पर होगा तो अच्छा हो कि 2021 की जनगणना के आधार पर हो, 2026 में मुझे लगता है शायद फिर से होगा, पूरे देश में परिसीमन का जो काम चलेगा तो जम्मू कश्मीर में भी चलना चाहिए। तो अभी अभी जो हो रहा है उसमें इस परिसीमन आयोग की अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। इसमें सलाहकार के रूप में 5 लोकसभा सदस्यों को रखा गया है, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और 2 बीजेपी के हैं। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं उन्होंने इसका बायकॉट किया, फरवरी में बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनसे जो है आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, परिसीमन आयोग की के पास वो आंकड़े पहुंच रहे हैं, उनके आधार पर अगली बैठक होनी है। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ, वो राजी हो गए, गुप्तार अलायंस के लोग इस बात पर राजी हो गए कि परिसीमन आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, परिसीमन के काम में वो मदद करेंगे। तो आप देखिए जो लोग कह रहे हैं ना कि ये इस बैठक की जरूरत क्या थी, जिनको आप गैंग बता रहे थे, जिनको एंटी नेशनल बता रहे थे, उनके साथ क्यों बैठे, उनसे क्यों बातचीत की, तो कई चीजें समझ ली। इस सरकार को इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि ये लोग राष्ट्रीय एकता या भारत के हित के साथ पूरी तरह से नहीं है, खास तौर से अगर पीडीपी की बात की जाए। पीडीपी जो है पार्टी महबूबा मुफ्ती की, वो दरअसल मिलिटेंट्स के आतंकवादियों के की सहानुभूति और उनकी मदद से बनी है और चलती है, उसका संगठन उस तरह का नहीं है प्रदेश भर में जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश में उसका संगठन है और उसका जनाधार भी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो लागू की गई, उसके तहत चुनाव हुए, इन पार्टियों ने उसका बायकॉट किया, शामिल नहीं हुए। उनको लगा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है 370 को जो है खत्म करने का, 35 खत्म करने का और स्टेट को जो है बांटने का, फिर स्टेटहुड खत्म करने का, उसका बहुत बड़ा विरोध होगा कश्मीर में, लोग उठकर सड़क पर आ जाएंगे और फिर हमें समर्थन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो चुके हैं। और ये अभी जो कहा जा रहा है ना कि ये पहले शुरू में कहा जा रहा था, अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है कि सेना लगाकर ऐसा किया गया है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो सब बातें बकवास साबित हुई हैं। और आपको याद दिला दें कि शेरे कश्मीर जो कहे जाते हैं शेख अब्दुल्ला, उनको जब नेहरू जी की सरकार ने गिरफ्तार किया और सालों तक जेल में रखा, कश्मीर में कोई क्रांति नहीं हुई, लोग सड़कों पर नहीं उतरे। तो इस बात से आप समझ लीजिए कि इस बार भी ऐसा नहीं होना था, ये इस केंद्र सरकार को और उसके नेताओं को पता था। दूसरी चीज हुई, क्यों ये लोग तैयार हुए जिसकी मैं बात कर रहा था इस बातचीत में आने के लिए, पहली बार जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिला विकास परिषद की के चुनाव हुए और उन चुनावों में पिछले 2-3-4 दशकों में जितना पोलिंग परसेंटेज होता था आमतौर पर जम्मू में भी और घाटी में भी, उससे बहुत ज़्यादा हुआ। ये इन पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो इसमें से पीडीपी शामिल नहीं हुई इस चुनाव में,
बाकी अलायंस के लोग शामिल हुए। कांग्रेस हमेशा की तरह वो गुपकार अलायंस के साथ है कि नहीं है, इस पर कंफ्यूजन आज तक बना हुआ है। कभी उनकी स्टेट यूनिट कहती है साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं है साथ में। तो वो कांग्रेस की दुविधा जो है, जैसे बाकी सारे मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर है, इस मुद्दे पर भी है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये इन लोगों को ये समझ में आया कि जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, जिस तरह से लोगों की भागीदारी थी, जो महबूबा मुफ्ती अभी इस बैठक के बाद इंटरव्यू दे रही हैं, जगह जगह बोल रही हैं कि बड़ी हालत खराब है, लोग डरे हुए हैं, कोई डरा हुआ नहीं था। वोट देने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, अगर वोट नहीं देना। हमने आपने ये भी देखा है कि घाटी में लोकसभा के चुनाव में 7% 8% पोलिंग हुई है और लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसके ताजा उदाहरण है। तो इसलिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है आपको, वोट देने से रोका तो जा सकता है, धमकी देकर, बम विस्फोट करा के, गोली चलाकर, हत्या करके वोट देने से रोका जा सकता है, लेकिन वोट देने के लिए निकले इसके लिए नहीं। तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कहा कि हम अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, हमें अपने इलाके का विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, इसके लिए हम वोट दे रहे हैं। सरकार की कोशिश यह है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति और राजनीतिक दल दोनों बदले, लेकिन यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि जो 2-3 साल में हो जाने वाली है, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। ये जो पंचायतों के प्रतिनिधि चुने गए हैं, स्थानीय निकाय के लोग चुने गए हैं, जिला विकास परिषद के लोग चुने गए हैं, ये भविष्य के नेता होंगे, इन्हीं से भविष्य की पार्टियां बनेंगी। उसमें कुछ समय लगेगा, अब वो प्रक्रिया कितनी तेज होगी धीमी होगी आज उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वो निर्भर करेगा कि इन पार्टियों का, जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उनका समर्थन कितनी तेजी से खत्म होता है या बना रहता है, तो उस पर निर्भर करेगा। अगली बात देखिए, इस 3.5 घंटे की बैठक में, अगर आपको याद हो, इससे पहले जब बुलाया जाता था केवल इन पार्टियों के नेताओं को नहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दूसरे अलगाववादी गुटों को, तो भारत सरकार उनको दामाद की तरह ट्रीट करती थी। चार्टर्ड प्लेन से उनको बुलाया जाता था, 5-star होटल्स में रुकवाया जाता था, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाता था, और ये सब पार्टियां करती थी जो भी सत्ता में केंद्र में रही हो। 3.5 घंटे की बैठक में किसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या अलगाववादी ताकतों का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का नाम भी सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने लिया, क्योंकि वही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो पाकिस्तान समर्थक तत्व हैं घाटी में, वो पीडीपी के समर्थक हैं, तो इसलिए उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जो पार्टियां हैं, उनमें से किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि और भी स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर के बारे में, उनसे भी बात होनी चाहिए। कुल जवामा, जो पार्टियां, जो नेता 5 अगस्त 2019 से पहले जब भी कश्मीर की बात होती थी, तो शुरुआत करते थे 1953 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। 1953 से पहले क्या स्थिति थी? राज्य का जो मुखिया था वो प्रधानमंत्री कहलाता था, राज्य का संविधान था, तो वो स्थिति बहाल करने की बात होती थी, वो तो भूल जाइए। अब वो 370 को भी बहाल करने की बात नहीं कर रहे हैं। 370 पर सिर्फ इतना जिक्र हुआ कि वो अदालत में है, हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। ऐसा कभी हुआ है? राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर भले ही अदालत में चल रहे हो, बाहर चर्चा ना हो, राम जन्मभूमि उसका सबसे बड़ा उदाहरण, बरसों से, दशकों से अदालत में चल रहा था मुद्दा, लेकिन कोई बोलने से रुका क्या? तो ये क्या हो गया अचानक कि 370 का मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। दरअसल इनको पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, महबूबा मुफ्ती को छोड़कर जो अलग दुनिया में रह रही है। वो कह रहे हैं कि चुनाव हम तभी लड़ेंगे आज के बाद जब 370 और 35 ए बहाल हो जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि वो चुनावी राजनीति से रिटायर हो चुकी है, क्योंकि 370 और 35 से तो बहाल नहीं होने वाला है।
और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहाल हो पाएगा। जिस तरह से संवैधानिक तरीके से संसद में प्रस्ताव पास करके सब कुछ कानूनी रूप से हुआ है, उस कोई कारण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के उस फैसले को पलट दे। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके लिए हम आज से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये देखिए कि 370 पर बोल भले सीधे न रहे हों, इन लोगों ने मान लिया है कि ये सरकार जो है ये तो मानने वाली नहीं है। और इस बातचीत में वो मुद्दा टेबल पर भी नहीं था। केंद्र सरकार उस पर तो बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग कह रहे थे कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले स्टेटहुड जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है कि इसी यूनियन टेरिटरी की विधानसभा जो है उसका चुनाव होगा परिसीमन के बाद, और उसी विधानसभा में आपको काम करना पड़ेगा, और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये हम देखेंगे। सरकार क्यों कह रही है? सरकार को उम्मीद है कि इस बीच में ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का प्रोसेस शुरू हुआ है ये धीरे धीरे जोर पकड़ेगा, जड़ पकड़ेगा, तो नए नेता आएंगे, नई पार्टियां आएंगी, वो उभार होगा, इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक बार। और तब तक केंद्र शासित क्षेत्र होने के कारण पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा। तो इनको ये बात समझ में आती है। लेकिन इस दौरान जो है, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा, उनके काम की जरूर तारीफ होनी से चाहिए, जिक्र होना चाहिए। उन्होंने ग्रास रूट पर जिस तरह से डेवलपमेंट के काम को तेजी से आगे बढ़ाया है, वो तो जिला विकास परिषद हो या पंचायत या स्थानीय निकाय, उनका एक स्पष्ट ये है कि जो आप योजनाएं बनाइए, पहले तो ये हो गया कि गांव की योजना गांव में, ब्लॉक की योजना ब्लॉक के स्तर पर, और जिले की योजना जिले के स्तर पर बनेगी। ये एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो कि पहले जिला योजना का जो खर्च जाता था उसकी बंदर बांट होती थी। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने इस बैठक में ही कहा, जब भ्रष्टाचार मुक्त विकास होता है तो वो लोगों तक पहुँचता है। ये इन नेताओं को सुना रहे थे दरअसल, जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर को लूटा है। इतना पैसा केंद्र से गया है और जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये इंश्योर किया है मनोज सिन्हा ने कि ये योजना का पैसा उसी जगह पर खर्च हो। दूसरा, उन्होंने ये निर्देश दिया है कि योजनाएं बहुत लंबी मत बनाइए कि 5 साल में पूरा होने वाला, 10 साल में, और उनका 1 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल इसमें पूरे होने वाले काम शुरू कीजिए, जिससे उसका असर तुरंत दिखाई दे। उन्होंने पाठ्यक्रमों में बहुत बदलाव किया है, जो शिक्षा व्यवस्था थी वहां की उसमें CBSE का सिलेबस ज्यादातर लागू करवा दिया। तो ये ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर के नेता थे वो आए क्यों? आप जो फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं उनको अगर आप देखिए तो नेताओं का जो उन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है उससे आपको समझ में आएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि इनको बुलाया क्यों। शुरू में मैंने कहा बुलाया भाई, अरे आतंकवादी, नक्सलवादी और गुंडा अगर सरेंडर करता है तो उसके साथ नरमी का व्यवहार होता है। आप इन सब लोगों के चेहरे देखिए और याद कीजिए 5 अगस्त 2019 से पहले के चेहरे, कि खून की नदी बह जाएगी, भारत का झंडा उठाने वाला हाथ में कोई नहीं होगा। किसी के मुंह से ये बातें सुनाई दे रही हैं? कोई कह रहा है कि चीन की मदद लेंगे? अब तो पाकिस्तान का भी नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड और जम्मू कश्मीर बैंक, ये दो ऐसे बड़े घोटाले हैं जिससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बचना लगभग असंभव है। जिस तरह से जांच चल रही है उसमें उनका जेल जाना आप तय मानकर चलिए। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, ईडी की जो जांच चल रही है, उनकी उनकी ही नहीं, उनकी उनकी माँ की, उनके भाई की,
उसमें विदेश से पैसा आने और जाने का जो जो उसकी ट्रेल मिल रही है उनके लिए भी कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो ये सब कारण। दूसरा, उनको लग रहा है कि अगर इस प्रोसेस में शामिल नहीं हुए तो छूट जाएंगे। वही होगा जो चुनाव में शामिल न होने का फैसला करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हुआ, इररिलेवेंट हो गए, लोगों की याद से भी बाहर चले गए, उनका आज कोई नाम लेवा नहीं है। ये पार्टियां और इनके नेता ये नहीं चाहते कि उनकी ये स्थिति हो जाए, लेकिन देर सवेर वो स्थिति होने वाली है। तो अगर आप इस बात से नाराज हैं, चिंतित हैं कि सरकार ने इनको क्यों बुलाया, तो ये समझ लीजिए कि सरकार की दवा जो है वो बड़ी धीमे धीमे असर कर रही है। जैसे कानून की चक्की धीरे धीरे पीसती है, वैसे ही ये सरकार जो है इस मामले में बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। 5 साल लगाए 370-35 से हटाने में, और ऐसा नहीं है कि वो कोई जल्दबाजी में उठाया कदम हो, 2014 में ही तय था कि इसको हटाना है। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री ने, दुनिया भर में माहौल बनाया, अलग अलग देशों में, मुस्लिम देशों में जाकर, जो इस्लामी देश है वहां जाकर ये तैयारी की कि जब ये कदम हम उठाएं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध ना हो, और नतीजा आपके सामने। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, जो हो रहा है सही दिशा में हो रहा है। अभी परिसीमन, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आपको अगला कदम दिखाई देगा, और उसके बाद जो होगा उसमें उसके आगे का कदम दिखाई देगा। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ, ये बात बताना जरूरी है कि कल संडे है, रविवार है, और संडे का स्पेशल इशू जो है इस बार इमरजेंसी और गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन को लेकर है। इमरजेंसी कैसे लगी ये बहुत सी चीजें आप जानते हैं, लेकिन उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की क्या भूमिका थी? नवनिर्माण आंदोलन जो है उसका राजनीतिक प्रतिफलन क्या हुआ, ये सब बातें बताऊंगा कल। आप दोपहर 12 बजे जरूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।